नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और वक्त हो गया है 5W1H का। आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। पीएम ने कांग्रेस को किसान और करप्शन के मुद्दे पर घेरा। पीएम ने श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट का जिक्र करते हुए कहा, पहले भारत में भी हमले होते थे लेकिन अब कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता क्योंकि मोदी पाताल से भी खोजकर आतंकियों को खत्म कर देगा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी चंदुबार में चुनावी रैलियां की। आज पीएम ने कहा, आतंक की फैक्ट्री में घुसकर खात्मा किया। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार और वंशवाद की बात पर कुछ लोगों को करंट लगता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर झूठे वायदे किए। पीएम ने कहा कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और एनसीपी को किसान विरोधी बताया। पीएम मोदी ने कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर झूठे वायदे करके धोखा देने का आरोप लगाया। पीएम ने आतंकवाद पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकी फैक्ट्री में घुसकर आतंकियों का खात्मा किया है। जो लोग कर्ज माफी कहकर झूठे वायदे करते हैं, उन्होंने खुद कभी ये सोचा ही नहीं कि कोई आदिवासी बैंक में जाकर के कर्ज लेता ही नहीं है। उसके तो बेचारा नसीब ही नहीं है। अरे बैंक में खाता तक नहीं था उसका। और अगर आप खोजेंगे तो आपको मुश्किल में 100 में से 2, 3, 5 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे आदिवासी जिन्होंने कभी बैंक से कर्ज लिया हो। आतंकी फैक्ट्री में घुसकर बिना किसी भेदभाव सफा चट करके आ गए। परिणाम आपके सामने है। आज आतंकवाद जो कभी हिंदुस्तान के हर कोने में बम धमाका करने की ताकत रखता था, धीरे धीरे सिकुड़ता जम्मू कश्मीर के कुछ ही क्षेत्र में सिमट गया है। कुछ लोगों को जैसे ही मैं वंशवाद बोलता हूँ, भ्रष्टाचार बोलता हूँ, देश की सुरक्षा की बात करता हूँ, कुछ मैं बोलता यहाँ हूँ और उनको बिजली का करंट वहां लगता है।